सृजन घोटाले का दंश झेल रहे भागलपुर में एक और नया घोटाला सामने आया है। भागलपुर नगर निगम के वासियों ने को यह अंदर से झकझोर दिया है। इस पूरे हेराफेरी का भंडाफोड़ जिला परिषद अध्यक्ष के पेट्रोल पंप के पूर्व कर्मचारी अनिल कुमार ने किया। इन सब के बीच हद तो तब हो गई जब अनिल कुमार को काम छोड़ने के बाद भी उनके खाते में नगर निगम से लगातार भुगतान होता रहा। इस तरह से बैंक खाते पर अचानक से आई राशि से अनिल कुमार अचंभित हो गए और उन्होंने इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधान सचिव भागलपुर के मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त समेत संबंधित विभाग के कई अधिकारियों को पत्र के माध्यम से दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसका साक्ष्य भी आवेदन के साथ मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव और सभी अधिकारियों को भेजा। इस बात का उजागर होने के बाद नगर निगम के कथित कर्मी ने अनिल से पैसा वापस मांगा। अनिल कुमार ने दावा किया है कि उनके अलावा करीब 9 लोगों को नगर निगम द्वारा खाते से भुगतान किया जा रहा था। नगर निगम में सफाई कर्मियों के नाम पर मेयर सीमा शाह और उनके प्रति जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह और नगम प्रशासन की मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला हो पाया है। बताया जा रहा है कि तीनों ने मिलकर निगम के राजकोष में सेंध लगाई है। अनिल कुमार ने सीमा शाह और उनके पति पर घोटाले का आरोप लगाया है। इस घोटाले पर मेयर सीमा शाह ने कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगी, जो भी बात करनी है निगम प्रशासन से कीजिए, शिकायतकर्ता इसका जवाब देंगे। जबकि प्रभारी नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद यादव का, उन्होंने पिछले शनिवार को घोटाले की लिखित शिकायत मिली। इसके बाद उन्होंने कहा कि मंगलवार को शिकायत की जाँच करने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। ये मामला नगर निगम का पैसा का है, जबकि मैं उनके पेट्रोल पंप पे काम करता था। आज 2013 से मैं उनके यहाँ पेट्रोल पंप पे लेखा जोखा मैनेजर के पोस्ट पर काम करता था। मैं कोरोना पॉजिटिव अप्रैल माह में 2021 में हो जाने के कारण मेरा काम छूट गया। छूट जाने के कारण मैं जब बीमार रहा तो ऑटोमेटिक है कि मैं काम पे नहीं जाने, उस बीच में हुआ आदमी रख लिए। फिर भी जब मैं स्वस्थ हुआ, उनके यहाँ गया कि भैया मैं स्वस्थ हो गया, तो उनका कहना हुआ कि आप, मैंने आदमी रख लिया है, तो भैया मैंने स्वतंत्र हूँ, तो जो हिसाब किताब होती है, एक औपचारिकता होती है कि भैया मेरे पास क्या है या नहीं है, इसका कुछ एक लेखा जोखा हो जाना चाहिए। तो उनके द्वारा जब बोला कि ठीक है, तो मैंने सारा चीज़ बना के दिया उनका, ये आपका बाकी है, बकाया है। उसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ यही उनसे कहा कि भैया जो नगर निगम के द्वारा जो पैसा आता था, जो मैं निकाल कर देता था, वह एक साक्ष्य हमको दे दीजिए, ताकि कल भविष्य में आपके या किसी भी सरकार के तरफ से कोई यह नहीं आए कि आपने पैसा लिया है। इसी बात को लेकर वो हमारे साथ मारपीट 2 दिन बुलाकर इसी बात पर मारपीट करने लगे। मारपीट कहाँ किए थे? वो अपने पेट्रोल पंप पर बुलाकर। दूसरे दिन जो उनका एक रोड के पार्टनर हैं, वो बोला है कि आइए कुछ हिसाब है डीजल विजल का मिलाने के लिए। तो मैं जब दोबारा गया तो फिर वो सोचा कि कहीं फिर यह ना बात बोल दे या नगर निगम वाला, फिर वह बोलने से मौका ही नहीं दिया। फिर वो गाली गलौज मारपीट, जाति सूचक तरह तरह, पहले तो मार के मुंह में मार के सर बोलने का मौका नहीं दिया गया मुझे। उसके बाद वहाँ के आदमी सब आए, क्या बात है क्या बात है, तो हिसाब मांगते हैं तो हिसाब नहीं देता है, इस तरह करके मेरे साथ वो किया। फिर हमें गाली गलौज देकर मारपीट कर कहा भागो यहाँ, इनको हम देख लेंगे। बहुत तनाव मन बढ़ गया है। फिर मैंने वहाँ से जाने के बाद थाना में आवेदन दिया, तो वहाँ पर जो प्रभारी थे वो लिए। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने एसपी साहब आपके पास गया, संजोग से एसपी साहब फील्ड में थे, लेकिन उनके कथनानुसार डीएसपी साहब को कॉल करके बोला गया कि जितने भी फरियादी हैं उनका फरियादी आप सुन लें। तो उनके द्वारा कॉल हुई, डीएसपी साहब के द्वारा साकुन के थाना प्रभारी को कॉल हुआ कि ये क्या मामला है, फर्स्ट पिटीशन पर आपने कोई तरह का एक्शन नहीं लिया, तब तो मेरे पास आए हैं। उनके द्वारा भी कहा गया कि इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तब थाना बार बार क्या बोला जा रहा है कि अगर आवेदन दिए हैं, आवेदन के नाम हुई है, जिस पे केस हुआ है, क्या डीएसपी साहब क्या इस बात पे बयान दे रहे हैं? इस पर कहाँ कुछ कोई तरह का नहीं है, कुछ नहीं। क्या बोला जा रहा है, क्या केस होगा या नहीं होगा? अभी तक तो कोई केस नहीं हुआ है, बोला कि हमने रिपोर्ट भेज दिया है। अब क्या रिपोर्ट है अभी तक कोई ज्ञान नहीं इसकी संज्ञान। दूसरी बात सर कि फिर 19 तारीख को नगर निगम के द्वारा फिर हमारे खाते में पैसा आया। मैं सहा कितना आया? 18,603 रुपया।
मैं फिर सहम गया सर कि ये क्या मामला है, जब उनसे मेरा संबंध खत्म हो गया है फिर ये किस तरह का पैसा है। तब इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आवेदन दूं मुख्यमंत्री को, ताकि ये सरकारी पैसा है, कोई तरह का अगर बात हो जाती है तो मैं इसका कुछ जान भी नहीं रहा हूँ, जब मैं वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ तो ये पैसा मेरे खाते पर क्यों बार बार आ रहा है। इसके लिए मैंने सोचा ही था कि 20 तारीख को नगर निगम से, जिसका मोबाइल नंबर मैंने नोट करके और सेव करके रखा है, उसके द्वारा फोन आया, जो कि उनसे पूछे हम कि आपका नाम क्या है, तो बोले शहजाद करके नाम बताए, तो उनसे बोले कि आप क्या बात है, तो अब मिसवेस के कारण आपके खाता में पैसा चला गया है, तो हम बोले भाई अगर लिख के दे दीजिए इसका कुछ प्रमाण, क्योंकि बैंक में भी कभी ऐसा होता है तो प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा गलती होने के कारण होता, तो उस तरह आप प्रमाण दीजिए। बोला ऐसा नहीं हो सकता है। तब मैंने इस चीज़ के लिए नगर आयुक्त को आवेदन दिया, जिलाधिकारी को दिया और कमिश्नर साहब को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, उप मुख्यमंत्री जी को दिया और प्रधान सचिव को दिए। उसके बाद मैंने इस जानकारी के लिए मीडिया साहब का सहयोग लिया कि मुझे बख्शा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ी बड़ी धमकी आती है कि इस तरह का तुम कर दो बर्बाद कर देंगे। मैं सहमा हुआ हूँ, मेरा सब परिवार एकदम डर से सहमा हुआ है। अब इसके लिए जो आप लोग का अथी हो, मैं सरकार से इतनी चाहता हूँ कि मुझसे जैसे गरीब आदमी को न्याय मिले और ये सरकारी पैसा का जो भी जांच हो करके मुझे इससे छुटकारा दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री अधिक लाल तांती हुआ, मेरा गांव सुख सरोवर, थाना शाहकुंड, पोस्ट शाहकुंड, जिला भागलपुर।